अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर सब्जेक्ट टीचर। नाउ आई विल स्टार्ट आवर लेसन। सो क्लास, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में आप लोगों को एक पहले बता चुकी हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कर लिया था, और अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच गिवन फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग दीज फ्रैक्शंस विद 2, 3 एंड 5। आपको जो क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने उनको 2, 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, 2/5। तो जैसे कि क्लास आपको पता है कि अगर हम लोगों ने न्यूमिरेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था हमें कि आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसे। उसके बाद हमने एक चीज़ करना है 3 के साथ। अब हम उसे करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने पहले उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है हमारे पास 2 3 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15। ये सेकेंड फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, अब हमने उसे मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। अब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। जो हमें फ्रैक्शन दी गई है क्वेश्चन में, उसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर 3 के साथ, और अब करेंगे 5 के साथ। 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो अब उन्होंने हम लोगों को कहा हुआ था कि हमें 2, 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए। तो हमारे पास क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आई हैं, 3, 4/10, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से, 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6/15, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 10/25, ठीक है। ये किसकी फ्रैक्शंस हैं, 2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है क्लास। अब आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आपने इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।